जिन लोगों के ऊपर ज्ञान के पिटारे को बांटने का जिम्मा होता है और भगवान स्वरूप गुरु यानी कि शिक्षक ही अब मानवता को शर्मसार करने में लगे तो क्या कहा जा सकता है। हम बता दें, पूरा मामला डोंगरगढ़ विकास खंड के बोरालाब संकुल के अंतर्गत आने वाले भालूकोना प्राथमिक शाला का है, जो कि ब्लॉक मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। स्कूल के दो शिक्षकों पर बच्चों एवं उनके पालकों के द्वारा बच्चों के साथ स्कूल में गाली गलौच व पीटने का आरोप लगाया गया है और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्कूली बच्चे रो रो कर बता रहे हैं कि किस तरह से टीचर द्वारा व्यवहार किया जाता है। पूरी घटना स्कूल के एक बच्चे ने आपबीती बताई है। मामला लगभग 2 माह बीत चुका है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अब तक गांव वालों ने पूरे मामले की शिकायत जिला बाल संरक्षण अधिकारी को, साथ ही इसकी शिकायत की प्रतिलिपि राज्य बाल संरक्षण अधिकारी रायपुर, संचालक जीपीआई रायपुर, जिला कलेक्टर राजनांदगांव, जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डोंगरगढ़ को भी भेजा गया है, लेकिन आज तक सिर्फ जाँच के नाम पर गाँव जाकर खाना पूर्ति किया। अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर गांव, राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश देखा जा रहा है, जबकि स्कूल के प्रधानाध्यापक देवेंद्र वर्मा अपना ट्रांसफर करा उक्त कृत्य से पिंड छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। योगेश श्याम, जिन पर अपने स्कूल के प्रधान पाठक देवेंद्र वर्मा ने साथ मिलकर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, वहीं टीचर ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी निराधार हैं। वहीं डोंगरगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है और जांच दल ने जांच कर स्थानीय एसडीएम को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी आदेश आएगा कार्यवाही की जाएगी। हाँ काका, ये बताओ कि आपके गांव में जो स्कूल में इन दिनों घटना चल रहा है, जांच में आए कि टीचर के द्वारा बच्चों को गाली गलौज किया जाता है, हाँ। तो ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य नहीं है, गलत है सर। वो गाली दिया, वो सुने हैं, वो बच्चा बोला है, उसके मुंह से सुने हैं, है? हमको तो मालूम नहीं है कि हम तो स्कूल नहीं जाते। शाम को आए अपने खेत से, जब यहाँ स्कूल लगा वो उस समय आए, ये बच्चे बुलाने, पापा बुला रहे सर करके, तो वहाँ गए, जब वो लड़का ने बयान दिया, अंकुश ने गाली गलौज मारा, जो साले ऐसा गाली देता है करके, और रो दिया लड़का हमारे सामने। गाली दिया श्याम सर, गाली दिया बोल रहा। अच्छा, जैसे आप अध्यक्ष हैं यहाँ जनभागीदारी शाला प्रबंधन समिति का, हाँ। तो आपको तो मालूम होगा ना यहाँ किस टाइप से टीचर है। वो तो मालूम है सर, सब एक दिन ये वो आना, दो दिन ये आना, पारी बांध देते, ये सब मामला के शिकायत कौन विधायक ने कर रहे हो? दलेश्वर साहू के पास गए थे, 2 बार बोल रहे थे हमारे गाँव वाले, हाँ। कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, अधिकारी मन यहाँ आ चुकेगा। अच्छा, तो आप चाहते हो का स्कूल में क्या हुए? स्कूल में तो हमन तो चाहते नहीं, तभी ये लोग होना ही नहीं, यहाँ से इनका होना चाहिए कुछ ना कुछ कार्रवाई। हाँ, ये जो अंकुश नामक छात्र है, उसने आरोप लगाया कि आपके द्वारा गाली गलौज किया जाता है स्कूल में, पढ़ाते कम है, रोज गाली, वो भी गंदा गंदा गाली, तो ये इसके बारे में बताया कहाँ तक क्या है? जी सर, मुझे यहाँ का 21 साल हुआ है जस्ट, अभी मेरा 5/7/2018 को यहाँ पोस्टिंग हुआ था आपसी म्यूचुअल करके। इससे पहले कि ये वीडियो जो बोल रहे हैं, खुद एनजीओ के माध्यम से उसके जो बनाए वो बोल रहे हैं 27/4/2018 की वीडियो करके। और मेरे यहाँ आने के बाद गांव वाले पाला समुदाय भी बोल रहे हैं कि आपके आने से सर बच्चे लोग का पढ़ाई का स्तर सुधर रहा है, और आप इसी तरीके से पढ़ाई में बच्चों के प्रति ध्यान देते रहें, इस टाइप का मेरे साथ ये हुआ है। और जो गाली गलौज वाली, तो गाली गलौज मेरे साथ, मेरे द्वारा पढ़ाई सिर्फ अनुशासनात्मक शाला अनुशासन के हिसाब से ही मेरे बच्चों के साथ व्यवहार रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों को बड़े बच्चों उग्र बच्चों के द्वारा कुछ दबाना हो, ऐसे अनुशासन बनाने के लिए ये अपना शाला संचालन करता हूँ सर मैं। और मेरे आने के बाद पालक समुदाय और SNC के सदस्य लोग भी संतुष्ट हैं, लेकिन ये वीडियो में मुझे मेरा नाम, वीडियो में तो मेरा नाम नहीं है, लेकिन किस प्रकार से अपना मेरा नाम आ रहा है इस अनभिज्ञ में। जी बताइए, यहाँ जो स्कूल है आप लोगों का प्राथमिक शाला, इसमें शिक्षकों को लेकर यहाँ के गांव वालों में आक्रोश था, जिसको लेकर शिकायत भी की गई, जी बताइए। हाँ, शिकायत की सर, बहुत बार शिकायत की, बड़े सर देवेंद्र वर्मा के खिलाफ शिकायत की, कई बार यहाँ के SDO साहब, BO साहब आए थे, जांच पड़ताल किए, फिर कुछ नहीं हुआ,
आए चले गए, और उनके आने के हम जो यहाँ देते थे कलेक्टर के पास दिए थे और बीओ के पास दिए थे, पहले से उनको जानकारी मिलता था, उनके आने के पहले यहाँ पहुँच जाते थे। और सुनने में आया कि जो गुरु जी हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं बच्चे लोगों के साथ, ऐसी शिकायत बच्चे लोगों ने वीडियो बना के की थी। हाँ सर, उस दिन एनजीओ साहब जो आए थे बड़े सर और छोटे सर, तो बच्चे लोगों को इकट्ठा करके पूछे कि बच्चे लोग पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है करके, तो बच्चे क्या पता, हमें तो कुछ नहीं बताया बच्चे, लेकिन उस सर को बता दिए कि नहीं सर हमको गाली गलौज देते हैं एंड संड, और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते, बारी बारी से आते हैं और पढ़ाई तो नहीं करते उतना, और थोड़ा सा गलती करने पर ही मारते हैं और गाली गलौज करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए और अपने बच्चे का नाम। मैं शंकरलाल मंडावी हूँ, भालूकुना का रहने वाला। मेरा बच्चे का नाम है अविनाश कुमार। इसी स्कूल में पढ़ता है ना? इसी स्कूल में पढ़ता है। कौन से क्लास में? पांचवी। सर, ये जो भालूकुना का जो मामला है, बच्चा वाला मामला है और पुटाले बच्चों के अधिकार से जुड़ा मामला है, और इस बारे में आप बताइए कि आपके संज्ञान में है और 2 महीना पुराना मामला है, क्या हुआ इस पर अब तक? इस पर जो है जांच चल रही है। जो पीड़ित बालक है उनका जो बयान है जिला बाल कल्याण समिति समक्ष हो चुका है, वहाँ से एक संयुक्त जांच दल का भी गठन किया गया है। संयुक्त जांच दल के द्वारा एसडीएम साहब को रिपोर्ट सौंप दी गई है, अब उसके तत्पश्चात जो भी उच्च अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।